हेलो एवरीवन, वेलकम ऑल टू माय यूट्यूब चैनल। अमन है, आई एम योर योगा एंड फिटनेस ट्रेनर। किवें हो तुसी सारे? होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। तो आज हम जिस वीडियो को कवर करने वाले हैं, हमने सीक्वेंस चला रखी है कि जब भी नॉर्मल लाइफ रूटीन में या फिर आप एक्सरसाइज करते टाइम कभी कभार हमारी बॉडी में स्ट्रेन आती है, जिसको हम नसों का खींचना बोलते हैं, जो कि बहुत कॉमन है। गलत पोस्चर या फिर एक्सेसिव प्रेशर की वजह से जो स्ट्रेन आती है, उसको ट्रीट करने के बहुत इजी टेक्निक्स होती है, लेकिन मोस्ट ऑफ द पीपल डोंट नो अबाउट इट। सो दैट्स व्हाई इट्स क्वाइट कॉमन कि वो उसकी वजह से उनको बहुत ज़्यादा सफ़र करना पड़ता है। सो अभी मैं आपको एक सिंपल ट्रिक बताने वाली हूँ। सो आज हम नेक का पोर्शन कवर करने वाले हैं, और नेक में आप लोगों को मैं भी सबको बहुत कॉमनली बताऊँ कि अगर आपका स्लीपिंग पोस्चर गलत हो तो सर्वाइकल, कुछ लोग उसे सर्वाइकल का इशू मान लेते हैं, बट दैट्स नॉट सर्वाइकल इशू। वो सिर्फ नसों का खींचना बोल सकते हैं उसको, जिसकी वजह से दिक्कत आती है। तो उसका रीज़न है, तो उसमें दो जगह आपके पेन आती है, जब भी आपका स्लीपिंग पोस्चर गड़बड़ होता है, या फिर आप किसी गलत पोस्चर में एक्सरसाइज कर लेते हो, या फिर कभी कभार इट्स जस्ट नॉर्मल कि आप हाइड्रेशन प्रॉपर नहीं लेते हो, या फिर न्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी होती है। कोई भी रीज़न हो, ये नॉर्मल होता है, लेकिन इसके ट्रीट करने की टेक्निक बहुत सिंपल होती है। सो आई विल टेल यू दैट थिंग। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। फर्स्ट मैं आपको बता देती हूँ कौन से दो पॉइंट है जहाँ पे आपको पहले कंसीडर करना है कि आपकी पेन है कहाँ पे। तो उस पर डिपेंड करता है कि आप कौन सी स्ट्रेचिंग देने वाले हो। फर्स्ट है यहाँ पे नेक के बिल्कुल साइड में एक ये पॉइंट होता है जहाँ पे यूजुअली पेन आती है, और सेकंड है नेक के बिल्कुल बैक, ये रूफ, ये कॉर्नर होता है, या फिर यहाँ पे पेन आती है। तो आपको कंसीडर करना है कि आपका कौन से एरिया में इशू आ रहा है। अगर ये वाला इशू है तो आज हम इस साइड को कवर करने वाले हैं। तो इसको कवर करने के लिए बहुत सिंपल टेक्निक है, तो उसके लिए मैं आपको बता रही हूँ। फर्स्ट टेक योर राइट हैंड अप, नाउ विद योर राइट हैंड होल्ड योर लेफ्ट साइड, नाउ टेक योर नेक टू द राइट साइड, यू विल फील स्ट्रेचिंग इन दिस एरिया। नाउ डू डीप ब्रीदिंग 5 times, फर्स्ट ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट, इन द सेम मैनर डू इट 5 times, और सेम विद द ऑपोजिट, टेक अ लेफ्ट हैंड अप, होल्ड योर राइट साइड, नाउ टेक योर लेग टू, टेक योर नेक टू द लेफ्ट साइड, फील द स्ट्रेचिंग इन दिस एरिया, नाउ ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट, डू इट 5 times, आफ्टर दैट रिलैक्स फॉर 10 seconds। उसके बाद आप करोगे नेक रोटेशन, सर्कुलर नेक रोटेशन, 5 clockwise, 5 anti-clockwise। पहले मैं आपको बता देती हूँ ब्रीदिंग पैटर्न जब भी आप सर्कुलर रोटेशन कर रहे हो। टेक योर नेक डाउन, नाउ ब्रीद इन दिस पोजिशन, मूव योर नेक अप, ब्रीद आउट, व्हेन यू टेकिंग योर नेक अप, डाउन, ब्रीद इन, अप, ब्रीद आउट, कंप्लीट इट 5 in clockwise डायरेक्शन एंड 5 in anti-clockwise डायरेक्शन। सो दैट्स ऑल, ये सिंपल सी टेक्निक आपको करनी है और आपको इंस्टेंट रिजल्ट मिल जाएंगे। और मान लो फर्स्ट टाइम में कुछ लोगों को नहीं मिलते हैं, वो स्ट्रेन थोड़ा ज़्यादा हार्ड होता है, तो उसके लिए आपको ज़्यादा टाइम करना पड़ता है। तो उसे तब तक करो जब तक आपका थोड़ा बेटर, लाइक आप 5 या 10 minutes तक आराम से कर सकते हो। बस मेन चीज़ है आपको ब्रीदिंग प्रॉपर रखनी है। अगर आप ब्रीदिंग ज़्यादा सही रखते हो और ऑक्सीजन सप्लाई वहाँ पर अच्छा होता है, तो आपको इंस्टेंट रिजल्ट मिल जाते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर टूडेज वीडियो। थैंक यू ऑल फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। डू सब्सक्राइब माई चैनल, जस्ट गिव अ थम्स अप, एंड लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि नेक्स्ट वीडियो आप किस कवर करना चाहोगे। सो थैंक यू ऑल, सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।